हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग में 8 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो होपफुली आप इसे रेगुलर शेयर कर रहे होंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, डेली इसको रेगुलर देख रहे होंगे। कल अपनी क्लास है जो कि नहीं हो पाई थी, कल क्लास नहीं होने का कारण ये था, कल अपने स्माइल फॉर ऑल जो अपना NGO है उसका एक प्लांटेशन ड्राइव था जहाँ पे 100 पेड़ है जो कि छोटे जो अपने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना उनके द्वारा लगाए गए थे, सो दैट जब भी वो स्कूल से आए जाए तो उनका ध्यान रखें, उनके साथ में वो पेड़ भी बड़े हों, है ना। और जब छोटे बच्चे प्लांट लगाते हैं तो उसकी वैल्यू समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, उसको ग्रो होना देखते हुए उनको अच्छा लगता है एंड दे केयर अबाउट द एनवायरनमेंट। तो इस वजह से कल टाइमिंग सेट हो नहीं पाया और अपनी क्लास जो कि हो नहीं पाई, कोशिश करी 9 बजे हो लेकिन 9 बजे भी फ्री नहीं हो पाए। तो कल का और आज का 2 दिन का सेशन है जो कि हम लोग करने वाले हैं। क्लास जो होगी 2 दिन के सेशन की 45 से 50 मिनट की होगी, 19th और 20th 2 दिन का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, टोटल मिला के अगर मैं आर्टिकल्स के बारे में बात करूं, कितने आर्टिकल्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, द हिंदू से दोस्तों 2 दिन के 12 आर्टिकल्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस से 3 आर्टिकल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से 2 आर्टिकल है और PIBPRS की बात करें तो आपको यहाँ पे 6 आर्टिकल है जो कि देखने को मिलेंगे। तो नियर बाय काफ़ी कुछ 23-24 आर्टिकल्स हैं जिसमें कुछ जो है डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, कुछ के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत होगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस के लिए या फिर अगले साल के लिए, तो आप ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 400 घंटे से भी ज़्यादा का क्लासरूम प्रोग्राम है जहाँ पे 0 से लेकर आपको मेंस तक जो है आपको प्रिपरेशन कंप्लीट 1 साल के अंदर है जो कि करवाई जाएगी सारे सब्जेक्ट की। बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं। आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, SSC में जाना है प्रिपरेशन में, और यहाँ पे आपको जो है सेकेंड जो लेटेस्ट बैच होगा वो आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आज के कोट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। देखो, इस जिंदगी के अंदर कुछ होना हो, 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। टैलेंट का तो ऐसा होता है कि आप अक्वायर कर लेते हो टैलेंट, आप धीरे धीरे लोगों के साथ में जब अच्छे लोगों के साथ मिलते हो, बात करते हो, काम सीखने की कोशिश करते हो, तो टैलेंट तो आप धीरे धीरे आप अक्वायर कर ही लेते हो कहीं ना कहीं से। आप अच्छी किताबों से कर सकते हो, वीडियो से कर सकते हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो, किसी के थ्रू साथ में सीख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती है जब हम होप और कॉन्फिडेंस ये 2 चीज़ें खो देते हैं। देखो, लाइफ के अंदर बहुत सारे फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हमेशा है ना, हम बोलते हैं ना जब कि अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक होप है जो कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा रहे, हमेशा बना रहे और हम लोगों के लिए अच्छा करते रहे, उसी का रिटर्न है जो कि आप खुश रह के आपको अपनी लाइफ में सक्सेस के तौर पर भी मिलता है, है ना। अपना कॉन्फिडेंस और अपना होप, ये दोनों चीज़ें जिंदा रखो यार। हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल आपके ज़िंदगी के अच्छे नहीं बीते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ऑन एन एवरेज 70 साल की एक इंडियन की ज़िंदगी होती है, तो 70 साल एक जैसे गुजरेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करे जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी होप जो है वो आपको मेंटेन रखनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप अचीव है जो कि कर लोगे जो आप चाहते हो, क्योंकि यही चीज़ें जो कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाती है। आप सोचते हो, समझते हो और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की पावर है जो कि आप में गैदर होती है। ऑलराइट, चलिए तो कल के न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है NDA और अपोजिशन को लेकर। NDA गवर्नमेंट तो जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो BJP उसको लीड करती है, साथ में भारत नाम का एक अपोजिशन अलायंस है जो कि बनाया गया है जहाँ पे 28 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में उन सब ने मिलकर बनाया है बेंगलोर की मीटिंग के अंदर। केरला के जो CM है, फॉर्मर केरला के 2 बार CM रह चुके थे ऑनमन चैंडी, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनकी कल परसों डेथ हो गई थी। यहाँ पे PM मोदी का स्टेटमेंट है जो कि कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया है ना, और कास्ट सेंसस करवाने के लिए भी बोला गया। 11 मेंबर का पैनल बनाया गया है जो कि नेक्स्ट मीटिंग मुंबई के अंदर है जो कि करवाने वाले हैं। और यहाँ पे जो कोलिशन गवर्नमेंट अपोजिशन, उसका नाम इंडिया कोलिशन है ना, वो है जो कि रखा गया। साथ में अभी इसको थोड़ा सा और अपडेट किया गया, इसके अंदर भारत भी ऐड है जो कि कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही इंडिया नाम रखा गया, मतलब इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन जो जो आसाम के CM थे उन्होंने जो है वो भारत के ऊपर इंफेसिस किया, तो अपोजिशन को भी फिर मजबूरी हो गई, भारत वर्ड भी जो है वो ऐड करना पड़ा। तो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, तो कुछ खास ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जनरली आपको पता होना चाहिए। इंडिया का इन्होंने जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो कि रखा है 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ये पूरा अलायंस है जो कि मिलकर NDA से मुकाबला करने वाला है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, क्या हो गया माइक को, क्या हो गया प्रॉब्लम? ओ ठीक है, माइक सही तो है। हाँ चलिए, तो आज से पहले हमारे यहां पे कोलिजन गवर्नमेंट का क्या वो रहा है, भारत में क्या इतिहास रहा है, एक बार वो भी पढ़ लेते हैं।
कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि अपोजिशन के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर है जो कि इलेक्शन लड़ती है, ताकि वोट है जो कि डिवाइड नहीं हो और दो ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है जो कि मुकाबला हो, समझ गए। इस तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो हमारे देश में है ना 1947 से लेकर 75-76 तक तो हमेशा कांग्रेस जो है वो एक तरफा जीती हुई आई है। 77 के अंदर जाके जब इमरजेंसी के बाद में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी पीएम जो बने वो हमारे मोरारजी देसाई थे, बहुत ही जबरदस्त पर्सन, जनता पार्टी से बिलोंग किया करते थे 77 से 79। उसके बाद में चरण सिंह जी बने एक साल के लिए, उसके बाद में नेशनल फ्रंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कोलिजन गवर्नमेंट थी, इन सब ने मिलकर है जो कि सरकारें बनाई कुछ कुछ टाइम तक के लिए। 1991 के अंदर जनता दल जो है समाजवादी जनता पार्टी, इसमें चंद्रशेखर जी बने। उसके बाद ये आने की कुल मिला के 77 से लेकर अगर आप देखोगे ना 91 के बीच में चार बार ऐसा हुआ है कि कोई कोलिजन गवर्नमेंट है जो कि बनी है लेकिन चल नहीं पाई। किसी भी कोलिजन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि 5 साल निकालना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि सबकी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग होती है। अगर वो एक होकर इलेक्शन लड़ भी रहे तो भी ये क्या बोलते हैं अज्यूम करना कि 5 साल तक उनकी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांगली चलेगी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है लेकिन जस्ट जो इतिहास की बात करें तो अगर आप देखोगे तो चार बार पहले हो चुका है। फिर उसके बाद में 96-97 के टाइम पे हुआ, देवगौड़ा जी जो है वो बने थे। उसके बाद 97-98 के अंदर गुजराल साहब बने, फिर वापस से अगले साल बीजेपी जब उन्होंने कोलिजन को लीड किया तो अटल बिहारी वाजपेयी बने 1998 के अंदर। 13 दिन के अंदर इनकी भी सरकार है जो कि नहीं चल पाई। फिर फाइनली जाके दोस्तों अगर आप देखोगे 1999 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कोलिजन गवर्नमेंट ने 5 साल है जो कि पूरे किए अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में, तो यहां पे 5 साल है जो कि पूरे हुए। उसके बाद में फिर यूपी आया, फिर वापस मनमोहन सिंह जी, और पिछले 2 बार से अगर आप देखोगे तो एनडीए है जो कि डायरेक्टली बीजेपी लीड करते हुए आ रही है। तो ये पूरा इतिहास है जो कि कोलिजन गवर्नमेंट का हमारे देश में रहा है। अब अगले साल देखने को मिलेगा कि कोलिजन गवर्नमेंट आती है या फिर वापस से एनडीए गवर्नमेंट है जो कि आती है। एनडीए का मतलब है जिसको बीजेपी लीड कर दिया और उसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, 30-35 पॉलिटिकल पार्टीज है। वैसे ही जो कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको यूपीए कहते हैं, यूनिटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसके अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि आती है ना। ये दो कोलिजन गवर्नमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं अनु कपूर के बारे में बात करने वाले हैं। अनु कपूर के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही जबरदस्त एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर है जो कि रहे हैं, अभी भी हैं। तो उनको यहाँ पे 2nd महाकवि नीरज पुरस्कार से सम्मानित है जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये 5th डेट एनिवर्सरी है जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि थे नीरज, उनके नाम पे पुरस्कार है जो कि रखा गया। इसके अलावा राजपाल यादव जो है उनको भी एक अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित है जो कि किया गया है। दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछा जाएगा तो कोई भी शायद ही आंसर है जो कि इसका लगा पाएगा और आने के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि अच्छा अवार्ड है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 10, यहाँ पे इंडिया और यूएई की डील के बारे में तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं जो कि दोनों ही रुपी और दिरहम के अंदर है जो कि ट्रेड करने वाले हैं। दोनों देशों को फायदा होगा, डॉलर से थोड़ा सा अलग होंगे तो दोनों ही देशों को फायदा है क्योंकि आपस में ट्रेड भी बिलियंस ऑफ डॉलर 70-80 बिलियन डॉलर का करते हैं। तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जो कि यूएई इंडिया का है। हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग काम यहाँ पे रोड एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोशल न्यूज है जो कि है रोड एक्सचेंज को लेकर। आपको मालूम है एक साल के अंदर हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से कितने लोगों की डेथ हो जाती है, सोचिए क्या उम्मीद लगती है आपको कितने लोगों की हो जाती होगी? 15 लाख, छोटा मोटा नंबर नहीं है, 15 लाख। कई देशों में तो 15 लाख बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे जितने हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हमारी खुद की नेग्लिजेंस। हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, है ना, हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते, पता है हमें कि रोडों का कोई भरोसा नहीं है, उसके बाद में भी तेजी से गाड़ी चलाते हुए लेके जाते हैं। ये सब ऐसे कारण है। कई जगह पे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स बने हुए होते हैं जहाँ पे दिखता नहीं है, उसके बाद कोलिजन हो जाता है, आपस में टक्कर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, इसके कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। तो 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग जो है ना, पूरी दुनिया के जितने ग्लोबल रोड एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे उसमें से 11% इंडिया में देखने को मिलेंगे। WHO ने दोस्तों यहाँ पे एक कारण है जो कि बताया, 5 से 29 साल के उम्र के अंदर सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ होती है ना वो रोड के एक्सीडेंट की वजह से होती है। तो यहाँ पे सबसे 55% जो कारण है वो स्पीडिंग का कारण है। तो इसके अंदर किसी सरकार की या किसी एक्स आदमी या वाई आदमी की गलती नहीं होती, हमारी गलती होती है। हम लोगों को लगता है कि भाई ओवर स्पीडिंग करने से क्या ही होता है, जब हम लोग क्या होते हैं 15-20-22 साल 25 साल के होते हैं ना तो हमें लगता है कि तेज भगा के गिर भी जाएंगे तो क्या होगा, है ना, खरोच आएगी, हाथ पैर पे लगेगी, लेकिन ये समझ नहीं आता कि उससे अगला स्टेप जो होता है ना वो हाथ पैर टूटते तो हैं और फिर वो बहुत सालों तक टूटते हैं और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
ओके सेकंड इससे का सबसे बड़ा एक और स्पीडिंग भी करते हैं, उसके बाद में एक और सबसे मेजर इश्यू क्या होता है, हम लोग हेलमेट ही पहनते हैं कभी भी अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आसपास जा रहे हो आधा एक किलोमीटर चलो कोई बात नहीं चलता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस पे जा रहे हो मेन रोड पे जा रहे हो तो ऑलवेज ऑलवेज हेलमेट यूज़ किया करो यार। मैं खुद आपके सामने इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने हेलमेट यूज़ किया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किस्मत ऐसी थी कि मैंने सिर्फ 20 सेकंड पहले, हार्डली 2 मिनट पहले, मान लो 2 से 5 मिनट पहले मैंने हेलमेट पहना और पहनते ही 5 मिनट बाद ही एक्सीडेंट हो गया है ना, जिसमें टवेरा वाला दोनों पैर के ऊपर से गाड़ी लेके चला गया था और मेरा सिर जो है उसके बोनेट पे भिड़ा था, शीशे के ऊपर, शीशा टूट गया आगे का, तो हेलमेट था इसकी वजह से इंजरी हुई लेकिन ज्यादा नहीं हुई, वो वाली कहानी है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखा करो। सेकंड जो मेजर कारण है वो रेकलेस ड्राइविंग है, ओवरटेकिंग करना, रेकलेस ड्राइविंग करना, कहीं से भी कुछ भी भगा लेना गाड़ी को, ये 27% कारण है, बाकी सब दूसरे हैं, वेदर कंडीशन भी है इसमें, इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग वाला इन्फ्लुएंस भी है, मैकेनिकल डिफेक्ट भी होते हैं है ना 1.3%। मेजर तो ये जो है ना यही दो मेजर कारण है, अगर आपने इनके ऊपर ध्यान रखा तो काफ़ी चांस है कि आप जिंदगी में अच्छी तरीके से जी जाओगे, वरना टूटे फूटे रहोगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत महीने लग जाते हैं सही होने में, मेरे को 1 साल लग गया था जमीन के ऊपर कदम रखने के लिए, इसीलिए गुजारिश मूवी जो है वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को क्योंकि मैं काफी रिलेट करता हूँ उससे, 8-10 महीने तो मुझे कदम रखने में लग गए थे। तो इट इज ऑलवेज डेंजरस, और जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी ऑनेस्टली, मैं अपने साइड में आ रहा था लेकिन सामने वाले ने ड्रंक कर रखा था तो उसने गाड़ी भेड़ी थी, बाकी मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि हेलमेट मैंने पहन लिया था। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 73,000 लोगों की जो डेथ है वो स्पीड का कारण है, ओवरटेकिंग, ड्रग, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, ये सारे कारण है जो कि इसके अंदर बताए गए हैं, है ना, ठीक है। चलिए नेग्लिजेंस तो सबसे बड़ा कारण है ही, डिस्ट्रैक्शन भी है, फोन यूज करना, कई लोग तो, एक मेरा फ्रेंड है वो तो पूरी मूवी चला लेता है, गाड़ी चलाते हैं साइड में, मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा होता, हमेशा मैं टोकता हूँ उसकी गाड़ी में जब होता हूँ, मतलब इतना तगड़ा बंदा है यार, समझ ही नहीं आता कोई कैसे इतना मल्टीटास्किंग हो सकता है, गाड़ी चल रही है, एयरफोन लगा हुआ है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, वेब सीरीज भी चल रही है। क्या है ये, लेकिन समझाओ तो फिर समझता कोई नहीं है ना, आज के टाइम की प्रॉब्लम ये है। ओवरलोडिंग एक वन ऑफ द मेजर रीजन है, मेरे कॉलेज की बस जाया करती थी, मतलब जिस एरिया से बस जाती थी तो वहाँ पे लोकल बसें होती ना, वैसे टेढ़ी चलती है लोकल बसें, ये रोड है और बस जो है वो ऐसे टेढ़ी है, क्यों, क्योंकि एक साइड से पूरी भरी हुई है, इतने लोग लटके हुए हैं कि वो टेढ़ी हो चुकी है। एक बार मैं भी लटक के गया था और एक आदमी जो है वो बाहर लहराता हुआ ऐसे गिर रहा था इधर उधर, मैंने उसको बोला भाई अंदर आ जा गिर जाएगा, बोला नहीं मुझे रोज की आदत है, मैंने कहा क्यों, बोला मैं तो हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं टिकट कलेक्टर। ठीक है फिर भाई लहराते रहे ऐसे चारों तरफ, वो कहानी है। तो ये सारे कारण होते हैं, इम्पैक्ट देखो ना सिर्फ किसी की इंडिविजुअल जिंदगी में होता है, इम्पैक्ट इकोनॉमी के, इकोनॉमी पॉइंट से भी है, लाइफ के पॉइंट से भी है और आपके फैमिली के पॉइंट से भी है, फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो कि हो जाता है जब किसी का एक्सीडेंट होता है इस तरीके से, फाइनेंशियल बर्डन, सोशल बर्डन है जो कि आ जाता है, तो इकोनॉमी के अंदर भी 3 से 5% के GDP का लॉस है जो कि हमें होता है, इसके अलावा घर के ऊपर जो है एक बर्डन है जो कि काफ़ी हो जाता है। मैं हमेशा इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें हमेशा होनी ही चाहिए, समझ गए, ठीक है। ये आपको हमेशा ऐसे कारण से बताएगा क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी गलती हो, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की भी गलती है और उसके वजह से आपके जो है इंजरी हो गई है, तो उस केस में भी, एक्सीडेंट के केस में आप अपने आप को सेव जो कि कर सकते हो। ऑलराइट चलिए इसको लेकर है ना हमने अमेंडमेंट किया 2019 के अंदर, एक्ट भी लेके आए, हमने जो चालान होते हैं जो फाइन होते हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया कि हमने एक्सीडेंट को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारी इंडियन कंडीशन में क्या वो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो जाता है क्योंकि फिर लोग जो है 500,000 रुपये देके बचने की कोशिश करते हैं जो कि आसान तरीका है दोनों के लिए है ना, पुलिस वालों के लिए भी और एक पर्सन के लिए भी। तो चालान हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन हर जगह जब तक कैमरा नहीं होंगे, जब तक घर पे चालान नहीं आएंगे ना बड़े बड़े, तब तक काम नहीं चलेगा। मैंने बताया था ना ऑस्ट्रेलिया में मेरे 2 बार चालान हो चुका है 25,000 रुपये का, क्यों, गाड़ी की स्पीड जिस रोड की स्पीड थी ना वो 80 के बजाय 82 के ऊपर गाड़ी चल रही थी और एक बार हल्के से जो है वो लेफ्ट में गलत ले ली थी, 2 बार 25,000 का चालान ठुका है। तो इतना ज़्यादा चालान जब घर पे आता ना तब तो पे करना ही पड़ता है आपको, तो हमेशा, और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि घर पे चालान आता नहीं है, वहाँ पे कौन है, अंकल जी है पुलिस वाले, और उनको तो फिर आप सिगरेट पानी कर कुरा के बच जाते हो, तो इस वजह से जो है वो डर नहीं है लॉ का, अगर चालान लगने लगे ना तो लोग फॉलो भी करने लगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। केरला ने अभी रिसेंटली इनिशिएटिव स्टार्ट किया, हर जगह पे कैमरा लगा दिए और दिल्ली के अंदर भी है वैसे काफ़ी जगह पे जहाँ पे घर पे अपने आप चालान जो कि आ जाता है, उससे क्या होता है कि लोग कंट्रोल करते हैं अपनी ओवर स्पीडिंग करना और वायलेशन को रोकना ये सब, ठीक है। तो ये देखिए स्पीड के डिटेक्शन के डिवाइसेस लगाना, रडार और स्पीड के कैमरा लगाना, चंडीगढ़ दिल्ली यहाँ पे आपको नॉर्मली ये रडार गन्स है जो कि देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्लोबली जो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किया हुआ है अपने रोड सेफ्टी के ऊपर जिसके हम लोग भी सिग्नेटरी है। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3.6 है
वो ये बहुत यही बोलता है कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको 2030 तक हम लोग बहुत कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रोड सेफ्टी 2021 से 2030 तक का हमने एक पूरा 10 साल भी जो है वो मनाया, डेकेड ऑफ एक्शन, जिसमें यूएन जनरल असेंबली ने बोला है कि हम लोग हमारे रोड को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, रोड सेफ्टी को बेहतर बनाएंगे, रोड एक्सीडेंट को 50% तक जो है इंजरीज को कम करेंगे 2030 तक, है ना। और बारिश के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो हमारी रोड है वो रोड कम खड्डे ज्यादा लगते हैं, ऐसा लगता है कि वीडियो गेम खेल रहे हो आप, ऐसे 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 घूमते हुए जाते हो, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मॉनसून वाला टाइम और खतरनाक है ना, थोड़ा देख के समझ के ही चलाना इस टाइम पे। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सहारा के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने दोस्तों एक पोर्टल है जो कि ओपन कर दिया है, जहां से आप सहारा, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम था हजारों करोड़ का, मेरे ख्याल से 10 या 20 हजार करोड़ का, ये कौन है स्पैमिंग कर रहा है यार। सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चे प्यार से समझते नहीं है, कभी कभी मारने का भी मन करता है, क्या करूं। क्रेवन क्रेवन देखो, मारने से कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। आपको इतनी बार घर वालों ने मारा होगा, पीटा होगा, आपने कभी पढ़ाई करी है, करी है क्या, नहीं करी ना। तो जो आपने नहीं करी तो आपको क्या लगता है जिन बच्चों को आप मार रहे पीट रहे हो वो पढ़ाई करेंगे। देखो ये हमारी गलती है, ये हमारा लूप होल है। हम पता क्या होता है, टीचर की प्रॉब्लम क्या है कि उसको लगता है कि वही सही है हमेशा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा यार। आप उसको एक रट्टाफिकेशन करवा रहे हो, आप उसको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें उसका मन ही नहीं है पढ़ने का, फिर आप उसको मारते पीटते हो, उसको अब्यूज करते हो, कुछ भी बोलते हो। आप अच्छे से पढ़ाओ, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ, थोड़ा तरीका निकालो। एक घंटे पढ़ाने के लिए 2 घंटे मेहनत करो पहले, कि कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ाना है ताकि बच्चा सीखे, लर्निंग हो, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो उस चीज़ के अंदर, उस लर्निंग के अंदर होगा तो बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा यार। गेम खेलने में बच्चा हमेशा इंटरेस्ट लेता है कि लेता है, लेता है ना। कभी बच्चे ने बोला है कि नहीं मैं खेलूंगा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा, क्यों? क्योंकि खेलने में मजा आता है, वही पढ़ाई में मजा आने लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो अपने आप बच्चा ज्वाइन करेगा आपकी क्लासेस को, मारने पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने ऊपर लेके देख लिया करो यार, आपने कितनी पढ़ाई कर ली थी, आपको घर वालों ने इतना मारा पिटा होगा तब। चलो आगे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखो एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है। आपको मालूम है सहारा स्कैम मालूम है कि नहीं मालूम है? पहले तो चलो एक थोड़ा बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ। सहारा ने क्या किया था, दुनिया का सहारा, भारत का सहारा छीन लिया था। सहारा जो सुब्रतो राय थे, क्या हो गया माइक की क्या प्रॉब्लम है, एक बार रुको चलो मैं सॉल्व करता हूँ कुछ। सहारा जो सही तो है, क्यों मजे ले रहे हो बिन बातें। हाँ ये लो, चलो। तो सहारा ने क्या हुआ कि लोगों का जो थोड़े बहुत पैसों का जो सहारा था वो सारा छीन लिया। सहारा ने क्या किया, एक योजना है जो कि निकाली थी बहुत सालों पहले सुब्रत राय ने। सुब्रत राय बहुत ही स्कूटर पे एक बहुत ही गरीब आदमी थे, उनको एक स्कीम पता लग गई कि भाई सब लोग जो है वो चिटफंड जो कंपनी होती है ना उसके अंदर पैसा डालते हैं और वहाँ पे लोग उसको लेके भाग भी जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हर किसी को जो है वो अच्छा रिटर्न देने के लिए पूरे गाँव में, पूरे देश में ऐसा माना जाता है कि हर 12 में से एक आदमी जो है ना वो सहारा के अंदर इन्वेस्टर बन चुका था। हर गाँव में बेचारी महिलाएं जो है अपने महीने के 100-100, 200-200, 500-500 रुपए सहारा को देने लगी। क्या हो गया कि शुरुआत में तो नए नए पैसे आते गए तो पुराने को लौटाते गए, समझ गए, सब लोग पुराने को लौटाते गए, लेकिन जो बाद में जुड़े उनको कहाँ से पैसा मिलेगा। बाद में सहारा एक्सपोज हो गया, एक्सपोज होने के बाद में जब तक 10-20 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है जो कि हो चुका था। सहारा ने पूरे इंडियन टीम की जर्सी के ऊपर, एरोप्लेन्स, क्या नहीं किया। मुझे याद है 2011-12 के टाइम पे सहारा के घर के अंदर कोई फंक्शन था सुब्रत रॉय के, देश का ऐसा कोई क्रिकेटर, ऐसा कोई पॉलिटिशियन, ऐसा कोई फिल्म बॉलीवुड से नहीं था जो उसके घर पे नहीं आया। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब बैठे हुए थे घर पे। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बना ली थी खुद का घर। अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस जैसा घर था, हर कोई श्री श्री नाम से, सबकी एक जैसी ड्रेस टाई लगा के, पूरी खुद की आर्मी सी बना ली थी, है ना। जब लोग एक सेम ड्रेस के अंदर इस तरीके से, मतलब लाखों लोगों को जो है वो एनरोलमेंट है जो कि कर दिया था, और सबको अपने अपने जो है
क्या बोलते हैं एजेंट है जो कि बना दिए थे। तो लाखों एजेंट है जो कि पूरे देश में बन गए थे, जो कि चिटफंड में पैसा लगा रहे थे। बाद में स्कैम बाहर आ गया, उसको जेल हो गई और लोगों का पैसा डूब गया। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे करके रिकवरी है जो कि सहारा से कर रहा है। फाइनली अभी सरकार ने जो एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे आप 10,000 रुपए तक जो है वेरी फर्स्ट फेज के अंदर अपना पैसा है जो कि क्लेम कर सकते हो। 45 दिन के अंदर आपको ये मिल जाएगा, समझ गए। तो ये नया पोर्टल जो है अगर आपके किसी परिवार में या किसने अगर पैसा लगाया है तो आप इस पे जाके क्लेम कर सकते हो। 1.7 करोड़ इन्वेस्टर जो है उनको फर्स्ट फेज के अंदर बेनिफिट मिलेगा। 10,000 रुपए तक का क्लेम है जो कि आप ले सकते हो। 10 करोड़ इन्वेस्टर को रिफंड देने के लिए 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सहारा की थी वहां से बनाने के लिए बोला है। तो सहारा रिफंड पोर्टल CRCS ये पोर्टल का नाम है जो कि रखा गया है, समझ गए। चलिए अगर आप देखोगे तो करोड़ों लोग थे मतलब जिन्होंने सहारा के अंदर पैसा है जो कि लगाया था। अंबे वैली प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा शहर है जो कि पहाड़ों के ऊपर। कभी आप पुणे के पास में गए हो तो अगर आप देखोगे पूरा नया शहर एक बसा दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 31,000 कार्टून पेपर के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए सहारा ने सेबी को। इतना इंटेलिजेंट आदमी बोलते ना, मतलब इसलिए लोग अप्रिशिएट करते हैं टाटा अंबानी बिरलास इन सबको, क्योंकि इनका बिजनेस हमेशा 500 सालों से चला, लेकिन कभी इन्होंने इस तरह की स्कैम नहीं करे, कभी लोगों का पैसा नहीं लूटा, लोगों को पैसा बना के दिया है बल्कि, है ना, नौकरियों के साथ में। बंदे ने जो है इतने पेपर प्रोड्यूस कर दिए कि सैबी की हालत खराब हो गई उस पेपर को देखते में, कि और टाइम है जो कि निकल जाए और साल है जो कि निकल जाए। तो 31,000 पेपर पब्लिश कर दिए, 24,000 करोड़ का रिफंड अमाउंट है, 3 करोड़ के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन स्टॉक जो स्टॉक होल्डर्स थे इसके, 128 ट्रक है जो कि सैबी के भेज दिए थे। इसके अलावा अगर आपको ये पूरी इस तरीके के जितने भी ये लोग है ना जो स्कैमर्स हैं, जैसे कि नीरव मोदी हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, अपना माल्या साहब हो गए और अपने ये सुब्रतो साहब हो गए, इन सब के बारे में जानना है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है जिसमें इनकी पूरी जिंदगी के बारे में बता रखा है, बैड बिलियनियर्स। तो आप ये देख सकते हो बैड बिलियनियर्स, इसके अंदर ये सारे बिलियनियर्स हैं जो कि बहुत ही बैड है, किस तरीके से देश को चूना लगाया इन्होंने वो यहाँ पे इसके अंदर बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है हमारे DPT को लेकर। देखो एक अच्छी बात यह है कि हमने 93% बच्चों को DPT 3 जो तीसरा टीका होता है डिप्थीरिया टिटनेस है ना इनका, वो हमने लगा दिया है इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के तहत। तो इसका सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, हमने देखो 2000 से धीरे धीरे कवरेज जो है ना वो बढ़ते बढ़ते अभी 93% है जो कि बढ़ चुका है। तो डीपीटी क्या होते हैं, 3 प्रकार के डिजीज से बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। डिप्थेरिया होता है ना, पर्टोसिस होता है और एक टिटनेस होता है। हमारे यहाँ पे ऑल टाइम 93% 2022 के अंदर हमने प्री पेंडेमिक से भी बेस्ट है जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है जो कि कर दिया है। WHO के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश है जो कि किया गया है। यूनिसेफ और WHO दोनों ने मिलकर नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज 2022 के अंदर स्टार्ट किया और इस पूरे रीजन के अंदर हमारा जो साउथ एशिया रीजन है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है इन सारे डिजीज को लेकर, तो उसी को टैकल करने के लिए हमने इसकी शुरुआत जो कि करी थी। ओके, तो 2021 में नियर बाय 45 लाख ऐसे बच्चे थे जिनको डीपीटी 3 थर्ड डोज नहीं मिला था, अभी हमने उनको आधा है जो कि कर दिया है। ठीक है, वही इस पूरे के पूरे अंदर डाटा में बताया गया है। अब आपसे पेपर में इंडिया और इंडोनेशिया ने भी काफी अच्छा कवरेज किया, 85% के आसपास। उसके अलावा मालदीव 99%, बांग्लादेश भी 98 है, थाईलैंड 97% है। तो काफी देशों ने इसमें काफी अच्छा काम है जो कि किया है। तीनों डिजीज के बारे में समझ लो क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा और आपको लगेगा कि बायो का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली के अंदर ही बायो का नहीं होगा, ये करंट अफेयर का होगा, क्योंकि डीपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है, हमने बहुत अच्छा कवरेज किया है इसलिए पूछेंगे। तो ये एक बैक्टीरियम है ना, ऑर्नियोबैक्टीरियम, उससे जो है डिप्थीरिया होता है। फीवर होना, सर्दी लगना, ग्लैंड जो है नेक के यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है ना, स्किन जो है वो थोड़ी ब्लशी हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि सिम्टम्स होते हैं। ये कफ से, स्नीज करने से भी एक दूसरे के अंदर फैल सकता है क्लोज कॉन्टेक्ट से। अगर 1 से 5 साल तक के बच्चे देखोगे ना तो मेजरली आपको इनसे इन्फेक्टेड है जो कि देखने को मिलेंगे। ओके चलिए आगे बात करते हैं टिटनेस की। तो टिटनेस क्या होता है कि कई बार आपको घाव हो जाता है, कई बार लोहे से लग जाती है ना, कई बार ऐसा होता है, तो हम लोग बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये वही वाला टिटनेस है, जब भी आप किसी भी चीज से कट जाता है ना, लोहे से या किसी भी चीज से, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया होता है जो हमारे घाव से हमारे अंदर चले जाता है, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी बैक्टीरिया में है। 14 दिन के अंदर अंदर आपको इंजेक्शन है जो कि लगाना होता है। टिटनेस से एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर ट्रांसफर है जो कि नॉर्मली नहीं होता है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हो चुका है, और टिटनेस को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली TTCV करके एक और वैक्सीन है जो कि आती है, जो कि सिर्फ टिटनेस के लिए लगाई जाती है। हालांकि कोशिश ये होती है कि हम लोग DPT लगा लें तो उससे तीनों ही डिजीज जो कि कवर
हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर टिटनेस की प्रॉब्लम, आपका जॉ जो है ना वो ओपन होना ही बंद हो जाता है, आपके मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, है ना, आपके पेट में एब्डोमेन में बहुत प्रॉब्लम है जो कि होने लगती है, बहुत ही पेनफुल प्रॉब्लम होती है, तो ये टिटनेस की प्रॉब्लम है। उसके अलावा पर्टिसिस के बारे में बात करें तो उसको वूपिंग कफ है जो कि नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि इससे पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम के अंदर है, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये मेजरली देखने को मिलता है, ठीक है। एक पर्सन से दूसरी पर्सन के अंदर भी ड्रॉपलेट से ये इन्फेक्शन है जो कि आगे बढ़ जाता है। काली खांसी हम इसको नॉर्मली कहते हैं। अब देखो DPT वैक्सीन जो है ना, तो छोटे बच्चों को उनके एज के हिसाब से दी जाती है, समझ गए। नॉर्मली जो है वो 5 लेवल पे DPT-3 वैक्सीन है जो कि देती है। DPT-3 तो इसलिए बोल रहे हैं, थर्ड डोज है वो। तो यहाँ पे अगर 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 15 से 18 मंथ और 4 से 6 साल, ये 5 लेवल के ऊपर ये वैक्सीन है जो कि दी जाती है बच्चों को। ऑलराइट, इसके जो इन्वेंशन किया गया था वो 1914 के अंदर एक वैक्सीन के इन्वेंटर जो थे वो चार्ल्स निकोल थे, और उसके बाद में 1940 के अंदर इसको बाकी दो वैक्सीन से जो है वो मिलाकर इसको DPT वैक्सीन है जो कि बनाया गया। इंडिया के अंदर जो DPT वैक्सीन है वो हमारे यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कसौली हिमाचल प्रदेश में, CRI। वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो भी वैक्सीन होती है वो हमारे यहाँ तो भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सभी बनाते हैं, लेकिन DPT वाली जो है हमारे यहाँ पे कसौली हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि होती है। ऑलराइट, चलिए। इसके अलावा एक और वैक्सीन होती है जिसको हम लोग पेंटावेलेंट कहते हैं, छोटे बच्चों में डालते हैं, सिंगल वैक्सीन है जो कि 5 डिजीज से बचाती है, जिसके अंदर डिप्थीरिया भी है, पर्टिसिस भी है, टिटनेस भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, HIV भी है। तो ये 5 तरीके के डिजीज को पेंटावेलेंट वैक्सीन है जो कि हम लोग नॉर्मली कहते हैं। इसी प्रकार से सवाल भी आता है, मिशन इंद्रधनुष भी हमने लॉन्च किया था सरकार ने, 7 ऐसे डिजीज से वैक्सीनेशन करने को लेकर जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, फिर बाद में इसको 7 से बढ़ा के हमने 10-12 भी कर दिया था। 2016 में सवाल आया था, तो ये क्या है, इम्यूनाइजेशन है बच्चों का, है ना, मिशन इंद्रधनुष। स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, सत्विक के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि बैडमिंटन के अंदर जो है ना कौन कितना तेज शॉट है जो कि मार सकता है, बताइए। बैडमिंटन के अंदर आप कितना तेज है स्मैश जो कि मार सकते हो। पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड जो है ना वो 2013 के अंदर एक चाइनीज के द्वारा करी गई थी, 350 किलोमीटर पर आवर, 372 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इस बार सत्विक ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल हो चुका है। मतलब इन्होंने स्मैश मारा है 565 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इतनी तेजी से जो है वो स्मैश है जो कि इन्होंने सत्विक ने मारा, 2013 का रिकॉर्ड है जो कि ब्रेक कर दिया। महिलाओं के अंदर अगर मैं बात करूं तो मलेशिया की एक टेन पर्ले उन्होंने 438 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो स्मैश मारा है, तो काफी अमेजिंग है। आज के टाइम पे थर्ड रैंकिंग के ऊपर है दुनिया के अंदर, काफी जबरदस्त प्लेयर है। अगर इनका अगर आप इस रिकॉर्ड देखोगे तो टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, थॉमस कप के अंदर गोल्ड, कॉमनवेल्थ में एशियन टीम चैंपियनशिप सब जगह पे इन्होंने मेडल है जो कि हासिल करे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी जोड़ी है सत्विक और चिराग, दो लोगों के आसपास देखने को मिल, दो लोगों के साथ में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिशन पार्टीज ने यूनाइटेड वी स्टैंड, यहाँ पे इंडिया नाम है जो कि इन्होंने रखा है। यहाँ पे फ्रंट पेज पे कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजस्थान को लेकर, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों एक बिल है जो कि टेबल किया है अभी विधानसभा के अंदर, जहाँ पे मिनिमम इनकम गारंटी है जो कि राजस्थान सरकार दे रही है। इलेक्शंस आने वाले हैं 4-5 महीने के बाद में, और अभी बहुत तेजी से जो है कई सारे नई योजनाओं का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अभी अशोक गहलोत जी जो कि अभी राजस्थान के अंदर अभी CM है, तो उन्होंने राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल है जो कि पेश किया है। मिनिमम गारंटी इनकम बिल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ भी काम मत करो घर पे होगा, अगर आपको काम नहीं दे पाए तो फिर आपको क्या होगा, एक मिनिमम इनकम है जो कि दी जाएगी सरकार के द्वारा। 3 बिल है जो कि यहाँ पे टेबल किए जा रहे हैं, राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम है ना, एक है राइट टू गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, और एक है राइट टू गारंटी पेंशन। 3 प्रकार की योजना, समझ गए। पहले वाले के अंदर क्या है, यहां पे आप देख सकते हो, तो राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम, ये महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना जो है उसी के अकॉर्डिंगली की जाएगी। इसके अंदर बोला जा रहा है कि आपको अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो जॉब दी जाएगी, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपको मिनिमम 25 दिन के अंदर अंदर तो फिर आपको एक मिनिमम इनकम है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी, समझ गए। 1 साल के अंदर आपको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है जो कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हालांकि इसका और डिटेल अभी तक चर्चा में नहीं आया, कितने रुपए दोगे, क्या दोगे, अभी एक बार पास हो जाएगा विधानसभा में, उसके बाद और इसके बारे में डिटेल के अंदर आएगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 15 दिन के अंदर आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर प्रोग्राम ऑफिसर होगा ना वो आपको
जॉब जो कि अवेलेबल करवाएगा। जॉब जो होती है वो आपको मालूम ही है, लेबर वर्क और बाकी सारे जॉब होती है, सो दैट उनका काम जो कि चल सके। पेंशन के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विडो है, सिंगल वुमेन है, डिसेबल है, उन सबको पेंशन देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो 2024-25 से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा जो पेपर आउट करते हैं उनके लिए भी स्ट्रिक्ट कानून है जो कि लाया जा रहा है, 10 साल की जेल 10 और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, जो कि उसको बढ़ाया जा रहा है, जो कि पहले 5 साल थी, ठीक है। पेपर आउट होने की समस्या जो है वो बहुत ही खतरनाक है राजस्थान और बाकी सारे राज्यों के अंदर। आगे बात करते हैं कूनो चीता को लेकर। आपको मालूम होगा 20 चीता है जो कि हम लोग नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लास्ट ईयर लेके आए थे, उसमें से 7 से 8 चीता जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसका कारण क्या रहा है वही यहाँ पे डिकोड है जो कि किया जा रहा है। अभी क्या हुआ था, देखो दुनिया के अंदर एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है कि जो बॉडी वेट है ना उसका 3% जो होता है उससे लेस देन आपको कॉलर के ऊपर ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं, कॉलर पे ट्रैकर्स। ओके, कॉलर पे ट्रैकर्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम लोग इनके बारे में पता कर सके कहाँ पर है, किस लोकेशन में, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है ना। अगर प्रॉब्लम में है मान लीजिए तो हम लोग इनको ट्रैंकुलाइज करते हैं, फिर इनके इलाज करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो हमें इनको मॉनिटरिंग के ऊपर रखना जरूरी था। तो हमने क्या, जब इनके कॉलर के ऊपर ये सब यूज किया है तो GPS यूज किया है, तो क्या होता है कि कॉलर पे यूज करने के कई बार उनके यहाँ पे बाल चले जाते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, वो अपने आप को साफ नहीं कर पाते यहाँ पे, तो कई प्रॉब्लम होती है। तो दुनिया में क्या 2 प्रकार की रिसर्च हो रही है, एक जगह तो बोलते हैं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी जगह मैक्सिमम इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि इसकी प्रॉब्लम है। इसी की वजह से भी कई जगह पे और इंडिया के अंदर भी चीता की डेथ है जो कि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रॉब्लम विद कॉलर, इसको लेकर है जो कि एक स्टडी पब्लिश करी गई थी, उसको अंदर इसको बताया गया है, समझ गए। होता क्या है, ये बोला गया है कि यहाँ पे स्ट्रैप लगाने से जो है ना इनके इन्फेक्शन हो जाता है, और जब ये भागते हैं तो ये जो 3% बॉडी वेट से कम का जो ये स्ट्रैप लगाया है उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है जब वो भागते हैं, तो वो इतना हैंडल है जो कि नहीं कर पाते क्योंकि इनकी गर्दन भी काफी स्मॉल है जो कि होती है। ओके, धीरे धीरे जो है ये इनके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टाइट होने की वजह से, और प्रेशर होकर इनके नेक्रोसिस नाम का एक प्रॉब्लम है जो कि हो जाता है। ओके, धीरे धीरे अपने आसपास के यहाँ पे हेयर भी ये लॉस करने लग जाते हैं। तो ये वेट ऑफ द कॉलर जो है 1970 में तो वेट और भी ज्यादा था, धीरे धीरे करते करते इसको 3% से कम कर दिया गया है। हमने जो यूज किया है ना वो भी 200 ग्राम 300 ग्राम के आसपास है जो कि यूज करते हैं कॉलर का ट्रैकिंग को लेकर, है ना। चलिए, तो यही चीजें जो कि यहाँ पे बताई गई है, 3 पॉसिबल फैक्टर्स है जो कि इनकी डेथ के यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तो हमारा एनवायरनमेंट भी है ना, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर करने की जरूरत है, दूसरा कॉलर वाला भी है, और तीसरा फिर एनवायरनमेंट जो है वो कितना सूटेबल है इंडियन कंडीशंस, जो कि रिसर्च में तो बोली गई थी काफी ठीक है लेकिन अब कितनी फ्रूटफुल होगी उसको लेकर भी बताया जा रहा है। तो चीता का जो फ्यूचर है वो काफी अनसर्टेन है जो कि बताया जा रहा है, ठीक है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके ऊपर क्या होता है। हालांकि जब भी दुनिया में चीता को ट्रांसफर किया गया है कि एक दूसरे से दूसरी जगह, तो 50% मोर्टेलिटी रेट होती है, मतलब 50% चीता जो है वो नहीं बचते हैं। तो ये रेशियो हम लोग कितना इसको सही कर पाते हैं ये देखने वाली बात है। आगे बात करते हैं अडानी को लेकर। तो अडानी जी जो है वो 20 गीगावाट का हाइब्रिड एनर्जी फैसिलिटी है जो कि गुजरात के अंदर लगाने वाले हैं। ये हाइब्रिड सोलर पार्क होगा, हाइब्रिड पार्क होगा, पावर पार्क होगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। तो अडानी ग्रुप जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर पार्क है जो कि कावदा डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहां पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 45 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि 2030 तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। स्टार्टिंग में 20 गीगावाट है जो कि ये प्रोड्यूस करने वाला है मिडिल ऑफ द डेजर्ट के अंदर, काव है ना, कावदा नाम की जगह है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे लगा रहे हैं। और ये क्या है, हाइब्रिड पावर पार्क है, यानी कि अलग अलग प्रकार से एनर्जी का प्रोडक्शन है जो कि यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर पूछेंगे आपसे, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। सबसे पहले तो जो एक्टिविस्ट है तिस्ता सतलवद, उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेल दे दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने तो बेल से मना कर दिया था, आपको मालूम है गुजरात राइट्स के टाइम पे ये एक्टिविस्ट थे, इन्होंने कई लोगों को जो लोग उस टाइम पे इम्पैक्टेड थे उनको सपोर्ट किया था। तो उसके बाद में SIT का फॉर्मेशन हुआ, तो वो चार्जेस जो कि इनके ऊपर कुछ लगाए गए, तो गुजरात हाईकोर्ट ने तो इनके ऊपर इनकी बेल को स्क्वैश कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस से चेंज कर दिया ये बोल के कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही नहीं था। ऑलराइट, यहाँ पे नमामि गंगे की साइड के ऊपर 15 लोगों को बिजली के से जो है इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गए, तो ये बताया गया है। यहाँ पे मणिपुर वायलेंस के बारे में बताया गया है, तो ये फ्रंट पेज है, कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 10 के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक तो एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग है जो कि इंडिया के अंदर हो रही है उसको लेकर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे लाइब्रेरी इनिशिएटिव था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जितनी भी किताबें
आज के टाइम पे जो आपको इंडिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में मिलेगी ना, मिलती है ना, जैसे कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, वैसे प्राइम मिनिस्टर की म्यूजियम में लाइब्रेरी है, राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी है, वहां पर जो किताबें हैं, ये सारी किताबें देश की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर आपको कुछ पे करके आप उनको एक्सेस है जो कि कर सकते हो। तो इन सबको डिजिटाइज है जो कि किया गया है। तो अकेडमिशियन टीचर्स और राइटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऑनलाइन रिपोजिटरी जितने भी बुक्स की है जो कि ये बड़ी बड़ी जगह पर रखी गई थी, इनको सारे को देश की 13 लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति भवन के अंदर या जो पीएम म्यूजियम में जो किताबें रखी गई ना, वो सबके लिए आज के टाइम पे अवेलेबल है जो कि हो जाएगी। तो वही चीजें जो कि इसके अंदर बताई गई है, मैं एक बार आपको उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा? चलिए, तो वही चीजें जो कि यहाँ पे बताई गई है, जो कोलकाता में लाइब्रेरी है, दिल्ली के अंदर है ना, पटना के अंदर है, नेशनल गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, इन सब जगह पे जो है ये सारी लाइब्रेरीज है जो कि मिलेगी। लाइब्रेरीज के अंदर आपको ये सारी किताबें मिलेगी और ये चार्जेबल होगी, थोड़ा सा कुछ चार्ज देकर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वन नेशन वन लाइब्रेरी, इस कॉन्सेप्ट के साथ में इसको लॉन्च है जो कि किया गया है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10, यही सेम है जो कि एयरबस की न्यूज है यहाँ पे। तो अभी देखो क्या है कि हम लोग है ना, फर्स्ट सी ये ट्रांसपोर्टर बहुत ही बड़े और दुनिया में बहुत ही फेमस है ना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये दिख रहे हैं आपको, काफी बड़े होते हैं, C295 है जो कि हम लोग इनको कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सामान है जो कि काम में आते हैं, है ना। इसको एयरबस जो कि बनाती है, स्पेन की कंपनी के साथ में मिलके हमने इनको कई सारे ऑर्डर है जो कि हमने प्लेस करे हुए हैं। तो अब हमारे कई सारे जो क्रू है वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके, कई सारे पायलट भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब क्या है कि 2024 तक है ना, हमें आगरा स्टेशन के ऊपर कुछ एक तो ऑलरेडी जो है वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे रेडी टू यूज, कुछ एक हम लोग क्या कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर है जो कि इनके पार्ट्स को बना रहे हैं, और फाइनली जो है वडोदरा के अंदर है जो कि इनकी असेंबलिंग करके हम लोग खुद है जो कि मेक इन इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही इनकी फैसिलिटीज को बनाएंगे, समझ गए? तो ये पैक्ट है जो कि किया गया, 22,000 करोड़ रुपए की डील थी एयरबस के साथ में और स्पेस ऐसे स्पेन की एक कंपनी उनके साथ में, कि हम लोग 56 टोटल मिला के कितने 56 हम लोग ऐसे C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि अक्वायर करेंगे। हमारे यहाँ पे अभी एवरो करके एयरक्राफ्ट है, उनको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही पुराने हो चुके हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में है। 16 एयरक्राफ्ट 56 में से हमें रेडी टू यूज मिलेंगे, बाकी हम लोग पहले हैदराबाद के अंदर 40 जो है ना वो हम लोग हैदराबाद में छोटे पार्ट्स बनाएंगे और उनका असेंबलिंग कहां पर होगी वडोदरा के अंदर होगी, समझ गए? इस तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्शन है जो कि कर रहे हैं। थोड़ा सा कट रहा है ना ऊपर का, थोड़ा सा रुको, पता नहीं ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अभी चलिए, और कौन इंडिया के अंदर इनका पार्टनर कौन है? TASL, इंडिया के अंदर इसका जो पार्टनर कंपनी है वो TASL है। ठीक है, तो टाटा जो कंपनी है ना, टाटास की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कहते हैं इसको, तो वो पार्टनरशिप में है जो कि इनके साथ में मिलकर काम कर रही है। ठीक है गाइस, चलिए, तो उनको पास में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों मिलकर है जो कि यहाँ पे काम करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 15,000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब जो कि इसके वजह से क्रिएट होगी इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12 की, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पहला डाटा दे रखा है कि 40% डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास में नर्सिंग कॉलेजेस ही नहीं है। तो नर्सिंग स्टाफ की हमारे यहाँ पे अभी देश में काफी किल्लत है जो कि बताई गई है एक RTE के अंदर, देखो RTI के अंदर। तो अभी क्या है कि ग्लोबली है ना 1,000 लोगों के ऊपर 3 आपको नर्स है जो कि मिलेंगे। हमारे यहाँ पे रेशियो है 1,000 लोगों पे 2.15, तो जो कि ग्लोबल एवरेज से भी काफी कम है, 2.06 इनफैक्ट। तो हमें नर्सेज बनाने की जरूरत है, चाहे वो मेल स्टाफ हो चाहे वो फीमेल स्टाफ हो, ताकि हम लोग गाँव के अंदर और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पर भी हम लोग क्या कर सके, फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सके। तो एक तो ये बताया है, हमारे यहाँ पे रैंकिंग में अंदर इंप्रूवमेंट है जो कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में देखने को मिला है, हमने 7 पॉइंट है जो कि इंप्रूवमेंट किया है। अभी हमारी जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, ये न्यू रैंकिंग है 2023 की जारी करी गई, लास्ट हमारी 87 रैंक थी, अभी हमने इसको इम्प्रूव करके 80 है जो कि हमने कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलराइट, तो यहाँ पे वही रैंकिंग है जो कि पूरा मैप के अंदर बताया गया है। 2014 के अंदर हमारी जो रैंकिंग थी वो हमारी 76 थी, उसके बाद में कभी भी 80 के नीचे हम लोग आ ही नहीं पाए, अभी 87 तक पहुँच गए थे, अब जाके वापस से हमने 7 पॉइंट को कवर करके 80 के ऊपर है जो कि हम लोग पहुँचे हैं। सिंगापुर दोस्तों इसके अंदर टॉप के ऊपर है। ये रैंकिंग कैसे निकाली जाती है, कितने कंट्रीज में आपको वीजा फ्री एक्सेस अवेलेबल है उसके हिसाब से ये रैंकिंग है, समझ गए? हालांकि वीजा फ्री तो हमारे अभी भी उतने ही है जितने कि पहले थे, हमारे जो है ना यहाँ पे
52 कंट्रीज है हमारे यहाँ पे ऐसी जो कि हमें वीजा फ्री एक्सेस है जो कि अवेलेबल करवा देती है, ठीक है। चलिए और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर को 192 कंट्रीज, दुनिया की 227 ऐसे डेस्टिनेशन कंसिडर करी जाती है जहां पे वीजा आपको लेना पड़ता है, उसमें से 192 में सिंगापुर को अवेलेबल है, आप वीजा फ्री एक्सेस जा सकते हो। यानी कि आपको एक दिन पहले भी अप्लाई करोगे ना तो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, यहाँ एयरपोर्ट पे जाके वहां पे आप ले सकते हो। हमें भी कई देशों के अंदर अलाव है, जैसे कि आप थाईलैंड जा सकते हो, मालदीव जा सकते हो, श्रीलंका जा सकते हो, नेपाल भूटान में तो कोई वीजा की भी जरूरत नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट पे फ्लाइट से जाओगे तो एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, बाकी रोड से जाओगे तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, है ना, नॉर्मली भी जा सकते हो आप। और भी कई सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है तो कई सारे देशों पे हमें भी यहाँ पे वीजा फ्री एक्सेस है जो कि अवेलेबल है। सिंगापुर यहाँ पे दुनिया में टॉप के ऊपर है। उसके बाद में सेकंड पे है जर्मनी, इटली और स्पेन, ओके। उसके बाद थर्ड पोजीशन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया, ये सब है। दुनिया के जो लास्ट चार कंट्री है जिनको वीजा फ्री एक्सेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कंट्री दुनिया में अलाउ नहीं करता, वो है लास्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, गिनी, पेपुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान। ये चार कंट्रीज आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटास के बारे में फिर से। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे कि टाटास जो है वो 4 बिलियन पाउंड है जो कि इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ पे, यूके के अंदर। तो JLR के जो बैटरी है ना वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि लगा रहे हैं। JLR क्या है, आपके जो जगवार लैंड रोवर जो गाड़ियां हैं जो कि टाटास ने खरीदी थी कुछ टाइम पहले, उस कंपनी को याद नहीं होगा आपको स्टोरी, तो किसी जमाने में टाटास जो है वो टाटा मोटर को JLR खरीदने वाला था और बहुत ही कम वैल्यू लगाई थी और JLR ने बोला था कि भाई जो दे रहे हैं वही ठीक है। उसके बाद में रतन टाटा ने ऐसा गेम चेंज किया कि JLR को टाटा ने खरीद लिया, ओके, और जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल भी बना दिया। यूके के अंदर क्या है कि पहले JLR कंपनी, यूके में क्या होता है कि लोग है ना सेडान गाड़ियां पसंद करते हैं, छोटी गाड़ियां, क्योंकि रोड एकदम बढ़िया होती है तो छोटी गाड़ियां पसंद करते हैं, लंबी वाली। हमारे इंडिया के अंदर हम लोग जो SUV होती है, ऊंची वाली गाड़ियां जो होती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो हम लोग काम में लेते हैं, वो हमें पसंद होती है क्योंकि हमारे रोडों के ऊपर रैंप हो गया, कई बार ऊपर चढ़ानी है, कई बार खड्डे हैं, है ना, रोडे ऊपर नीचे है, तो इसलिए वो थोड़ी ऊपर होती है, इसलिए हमारे लिए बेहतर होती है। तो यूके के अंदर क्या है, वो गाड़ियां चलती नहीं थी, SUVs की बिल्कुल भी क्रेज नहीं था। एक बार क्या किया रतन टाटा ने, है ना, एक रोड के ऊपर है ना, रोड के ऊपर है, एक ब्रेकर लगा दिया ऐसा ऊंचा मार्केटिंग करने के लिए, और जितनी भी वहां की गाड़ियां हैं, चाहे जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पे, सबको इसको है ना उसका पावर दिखाने के लिए, JLR का सबको बोला गया कि इसके ऊपर चढ़ा के उतार के दिखाओ। बहुत सारी गाड़ियां हैं बड़े बड़े ब्रांड की और इसके ऊपर चढ़ी नहीं पा रही थी, उनमें इतनी पावर ही नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, JLR आई और धीरे धीरे चढ़ के आराम से उतर गई और वो वायरल हो गया वहां पे। एक इंसिडेंट, एक मार्केटिंग का तरीका रतन टाटा ने, पूरे यूरोप के अंदर ये बात फैल गई कि पावरफुल गाड़ी है JLR, बहुत अमेजिंग गाड़ी है, ठीक है, चाहे ऑफ रोडिंग करनी हो, चाहे किसी भी तरीके से कहीं पर भी लेके जानी हो। उसके बाद JLR की सेल बढ़ गई और अब ऐसा हो रहा है कि ये लोग इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, तो उसकी जो बैटरी है ना वो यूके में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। 4 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट छोटा वो नहीं होता, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऋषि सोनक खुद जो है वो चंद्रशेखरन जी के आगे पीछे घूम रहे थे इस इन्वेस्टमेंट के लिए और फाइनली जो है ये बोल भी दिया गया है, ठीक है, 4 बिलियन पाउंड का 40 गीगावाट के सेल है जो कि ये लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं इस कैपेसिटी के अंदर। और सिर्फ ना सिर्फ JLR के बल्कि जो टाटा मोटर्स है उनके लिए भी यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काफी हेल्प है जो कि मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है गाइस। चलिए 2026 तक जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो स्टार्ट करने वाले हैं टाटा मोटर्स और जगवार लैंड रोवर दोनों को ही प्लांट से, कस्टमर्स को भी काफी फायदा है जो कि होने वाला है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्टूट ब्रॉड के बारे में बात करेंगे, क्या बंदा है यार ये भी। आपको मालूम है कि युवराज सिंह ने जब स्टूट ब्रॉड के 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे जब ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में आया ही था और ऐसा लगा था कि अब तो उसका करियर खत्म हो चुका है, लेकिन मतलब बोलते ना कि आदमी का कितना ही बुरा दिन होए अगर जिसको करना है ना वो कर ही जाता है। आज दुनिया के वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर्स में स्टूट ब्रॉड है जो कि दोस्तों पहुंच चुके हैं, टोटल 600 विकेट है जो कि ये ले चुके हैं। और एंडरसन अगर आप देखोगे दुनिया में नंबर 1 पे मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, फिर शेन वॉर्न है, उसके बाद में एंडरसन है। फास्ट बॉलर का स्पिनर के लिए तो पहुंचना बहुत आसान तो खैर क्या बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है क्योंकि स्पिनर का थोड़ा करियर बड़ा होता है, फास्ट बॉलर का करियर कितना मुश्किल होता है। आप देखो ना हमारे बॉलर्स को यार, जहीर खान के बाद में कितने बॉलर आगे चले गए, किसी का भी करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना, 10 मैच खेलते 20 मैच खेलते इंजरी हो जाती है।
बहुत मुश्किल होता है एक फास्ट बॉलर का लंबा करियर। यहाँ पे एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड दोनों आज भी खेल रहे हैं 20 साल से और आज भी खतरनाक खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एंडरसन 668 विकेट, उसके बाद में कुंबले है, उसके बाद में ब्रॉड है। तो दुनिया के टॉप पांच में जो है दो ही फास्ट बॉलर है, एंडरसन और ब्रॉड, दोनों इंग्लैंड में अभी भी खेल रहे हैं और दोनों 600 से ज्यादा विकेट है जो कि ले चुके हैं। तो सोचिए इतना बुरा दिन था स्टुअर्ट ब्रॉड का, 6 बॉलों में 6 छक्के खाए थे, कितनी पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई, कितना ज्यादा डाउन फील किया होगा, लेकिन आज भी खेल रहे हैं। जिसने मारे थे वो क्रिकेट करियर उनका कप का कोर हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं जज्बा, जिसको करना है ना वो तो करता ही करता है, चाहे उसकी जिंदगी में कितने ही बुरे दिन उसको देखने को मिले, है ना। चलिए आगे बात करते हैं इंडिया पैरा एथलीट को लेकर। तो इस बार अभी जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है जो की हुई है, और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है जो कि हमारे इंडियन पैरा एथलीट की रही है। टोटल मिला के दोस्तों 10 मेडल, टोटल मिला के 10 मेडल हमने जीते, जिसमें 3 गोल्ड है, 17 कोटा प्लेसेस है जो कि हासिल करी 2024 के पैरा ओलंपिक जो फ्रांस के अंदर होंगे पेरिस में, उसके लिए काफी प्लेयर्स ने क्वालिफाई भी किया है। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि इस बार हमारे यहाँ पे रही है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करें इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है, एक है, एक 7 साल की इंडियन ओरिजिन की लड़की है दोस्तों, स्कूल गर्ल है, उसने यूएन के लिए वॉलंटियरशिप करी सस्टेनेबल इनिशिएटिव को लेकर, माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर, जो कि 3-4 साल से ही स्टार्ट कर दिया था, अभी सिर्फ 7 साल के हुए। तो उसको अवार्ड है जो कि यहाँ पे मिला है, उसका नाम है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, इस अवार्ड से इनको सम्मानित है जो कि किया गया है। नाम है मोक्षा रॉय, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो ऑलिवर है उनसे उनको ये प्राइज है जो कि मिला है। वर्ल्ड की यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट है जो कि ये मानी जाती है। आगे बात करते हैं, ईडीबी ने दोस्तों इंडिया की जो फोरकास्टिंग है फाइनेंशियल ईयर 2024 की वो 6.4% जो कि रखी है। अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे हो तो ये सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सबने जो है 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में इंडिया की फोरकास्टिंग है जो कि दी है। आरबीआई 6.5 इस साल का ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2023-24 का। IMF बोलता है 5.9, वर्ल्ड बैंक 6.3, ADB 6.4, OECD, S&P 6 और फिंच 6.3। तो ये दुनिया के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, तो नामदा आर्ट और AI फॉर इंडिया 2.0 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं ये क्या है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे अभी 15 जुलाई को मनाया गया, वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया, नामदा आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये जो आर्ट है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही फेमस आर्ट है, समझ गए। अभी हमने क्या किया है कि इस आर्ट को वापस से रिवाइव करके यूके के अंदर कई चीजें को एक्सपोर्ट है जो कि किया है। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फेमस होती है ना, बस हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, वही प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि ये स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है उन्होंने AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया और उसको वहां पे लॉन्च किया। ठीक है, तो 15 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि पूरी दुनिया में मनाते हैं। हमारे यहाँ पे यूथ को स्किल करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो जॉब कर सके, जॉब ओरिएंटेड हो सके। गवर्नमेंट जॉब की लिमिट होती है, गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम ये है कि इतनी कम होती है ना कि बच्चों को लगता है कि हम तो किसी लायक ही नहीं है। एक बात आप सोचो, कितनी हम लोग मतलब कितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक बात सोच के देखिए आप। एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एक्स एग्जाम ले लो यार, उसके अंदर 10,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके लिए 1,000,000 बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, समझ गए मेरी बात। अब जॉब जो है 1,000,000 में से 1% लोगों को ही मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो 99,00,000 जो लोग हैं इस वाले केस के अंदर, 1,000,000 में से जो 99,990 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो अगर इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते 10,000 जॉब में, तो इतने सारे लोग बेवकूफ है क्या, या वो टैलेंटेड नहीं है, या वो गधे हैं, ऐसे थोड़ी ना है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या। आप दुनिया के 1,000,000, हमारे भारत के 1,000,000 युवाओं को एक तराजू में तोल रहे हो और बोल रहे हो सब लोग है ना एक ही चीज के ऊपर हिट करो। तो ऑब्वियस बात है यार, जब टोटल जॉब ही 10,000 है तो 1% लोग ही है। अरे तो 99% लोग ऐसे थोड़ी ना है वो टैलेंटेड नहीं है, वो भी टैलेंटेड है, वो भी जिंदगी में बहुत तगड़ा करेंगे, वो भी जिंदगी में हो सकता है कि कल को जो है इन सबको जॉब पे रख ले, समझ गए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सभी लोगों को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं, और बच्चा भी अपने आप को उसी तराजू में तोलता है, उसको लगता है मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो यार आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, या आई एम नॉट गुड एट दिस एग्जाम, आई एम नॉट गुड इन स्टडिंग। अरे हो सकता है कि भाई तेरा ये एग्जाम का फोटे नहीं हो यार, तू किसी दूसरे एग्जाम के लिए बना हो, तेरा टैलेंट कुछ अलग हो, तेरे स्किल सेट कुछ अलग हो, तेरी जिंदगी में कुछ और बेहतर लिखा हो। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पूरे देश के इतने सारे बच्चों को एक तराजू में तोलते हैं,
99% बच्चे कैसे हो सकते हैं फेलियर, मतलब जिंदगी में कैसा पॉसिबल है? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जॉब 1% थी। ये हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है, हर बच्चे को स्किल सेट अलग होता है। अब प्रॉब्लम है कि हमारे ना तो परिवार समझता है, ना परिवार के रिश्तेदार समझते हैं, ना टीचर समझते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं किया। अरे पढ़ाई 99% लोग नहीं आएंगे इसमें यार, ऑब्वियस बात है। आप कितना ही पढ़ लो, 1% ही तो बच्चे को जॉब मिलेगी, 99% को तो नहीं मिलेगी ना। अच्छी बात है यू आर फाइटिंग फॉर द 1%, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ जिंदगी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने एक बेंचमार्क के बारे में बात कर रहे थे, कट ऑफ निकालने की, जिसमें 99% लोगों का नहीं होगा यार, वो वाली कहानी है। और ये 99% बहुत जगह पे बहुत कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, लेकिन बात आपको भी समझने की है और परिवार और सबको समझने की। दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन आप समझ लो वही बहुत है, बाकी लोगों को समझाने की कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 के अंदर जो है इसको स्टार्टिंग करी गई और थीम रखी गई स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो स्किलिंग का, कि स्किल अगर आप में होती है ना तो आप क्या कर सकते हो जिंदगी में, है ना। हमारे अपने एक स्माइल फॉर ऑल के वॉलंटियर है बहुत ही अच्छे, हिमराज जयपुर के वॉलंटियर है, जयपुर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जो गरीब बच्चे हैं उनको, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, धीरे धीरे हमने कुछ एक तरीके निकाले जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और उन्होंने और वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो सारे वीडियोस और सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए, काफ़ी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए। अभी रिसेंटली उनको है ना हैदराबाद से एक जॉब का ऑफर आया 70,000 रुपीज़ पर मंथ, प्लस एवरी वीक जयपुर आने जाने के लिए फ्लाइट भी स्कूल खुद रेडी करवाने को रेडी है। लेकिन स्कूल ये चाहता है कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना इसी तरीके से पढ़ाओ। कोई बीएड की डिग्री नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे वो यूजीसी नेट नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे डिग्री विग्री। आप बोलो जैसे पढ़ाते हो ना जयपुर में बच्चों को, उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, और 70,000 रुपये जॉब वेरी फर्स्ट डे, फ्लाइट आने जाने के लिए एवरी वीक, स्कूल इतना स्पॉन्सर करने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उनके पास में टैलेंट है, उनको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, स्किल है जो कि है, स्किल आ गए उसके बाद में जॉब की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका टैलेंट दुनिया में, आपके टैलेंट से दुनिया को आप अपने आप को जनवाते हो, है ना, वो वाली कहानी होती है। तो अगर आप अपने आप को ग्रूम करोगे तो जॉब का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब का प्रॉब्लम उन लोगों का आता है जिनको कुछ आता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नामदा आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर जो थे ना अकबर, उन्होंने दोस्तों इससे अपने हॉर्स को जो है ना वो डिजाइन करवाना चालू किया था, ठीक है। हॉर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसके ऊपर डिजाइनिंग है जो कि इस आर्ट से करवाना चालू किया। धीरे धीरे वहां पे काफी फेमस होती चली गई। वहां के एक सूफी संत थे हमदान, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे कारपेट बनाने लग गए, धीरे धीरे बाकी चीजें बनाने लग गए। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इसके डिक्लाइन होने की? एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो गई, स्किल्ड लोग कम हो गए, मार्केटिंग कम हो गई, इसकी वजह से ये धीरे धीरे डाउनफॉल के अंदर चली गई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर अब इसको वापस से स्टार्ट जो कि किया गया है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन भी आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कि ये फ्लैगशिप स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ट्रेनिंग दी जाती है और आपको जॉब के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखो जब कौशल विकास योजना है तो एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय है उसके अंडर में होगी ना, लेबर के अंडर में थोड़ी ना होगी। तो ए गलत हो गया, ये गलत बी और सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं वेसोंग 18। ये दोस्तों रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा भेजी गई है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च करी गई है, है ना, हॉसोंग 18। तो अगर आपसे पूछे हॉसोंग 18 किसकी है तो नॉर्थ कोरिया की है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी लॉन्ग दूरी तक की मिसाइल है, 15,000 किलोमीटर तक ये जा सकती है, ठीक है, यूएस तक जो है ये अटैक कर सकती है, काफी लॉन्ग है। लैंड बेस्ड मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन भी कैरी है जो कि ये कर सकती है 5,500 किलोमीटर तक। ऐसी टेक्नोलॉजी रशिया, यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना, इंडिया, इजराइल कुछ ही देशों के पास में अवेलेबल है और नॉर्थ कोरिया के पास में भी पहुंच चुकी है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं ओपन हैमर को लेकर। ये दोस्तों कौन पर्सन है? ये है ना द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। पूरी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर और एटम बम बनाने का जो क्रेडिट है वो इसी आदमी को जाता है। बनाने के बाद में दोस्तों इसने गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, और उसको समझ में आया कि ये मैंने क्या कर दिया। जैसे कि हिटलर को लास्ट के टाइम में गांधी जी की बातें याद आई थी ना, कि अगर मैं गांधी जी की बात मान लेता तो शायद दुनिया में ये सब नहीं होता। उसी तरीके से भगवत गीता बाद में ओपेनहाइमर ने पढ़ी और उसके बाद में रियलाइज हुआ कि उन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा डैमेज है जो कि कर दिया है, और उसके बाद में उन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो अगेंस्ट
एटॉमिक एनर्जी के, एटॉमिक वेपन्स के जो है एडवोकेसी करने के अंदर गुजारी। तो उसी के बारे में बताया गया, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जो कि एटम बम बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये दोस्तों यूएस के द्वारा शुरुआत करी गई थी, है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक बम है जो कि बनाया था। और 16 जुलाई 1945 को उसकी शुरुआत करी गई ट्रिनिटी टेस्ट के द्वारा। बाद में कुछ ही टाइम बाद में दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अटैक किया, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की जान है जो कि चले गई, आज तक जो है भुगत रहे हैं वहां पे। सोचिए उससे 1000 गुना एटॉमिक बम है जो कि आज के टाइम पे बन चुके हैं। तो क्या पॉसिबल है अगर एटॉमिक एनर्जी अगर आज यूज कर ली गई तो दुनिया में कोई भी देश है जो कि नहीं बचेगा, इसलिए सब लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड स्नेक डे, ठीक है, बहुत लोगों को स्नेक से डर लगता होगा ना, लगना भी चाहिए यार। हालांकि आपको एक जनरल फैक्ट बताता हूँ कि स्नेक काटने से ज्यादातर लोग नहीं मरते हैं, 98% जो स्नेक होते हैं ना उनके काटने से लोग नहीं मरते हैं। लोगों का जो डर होता है, हार्ट अटैक से लोग मरते हैं, उनको डर इतना लगता है कि भाई सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया, इसके वजह से जो है उनकी मृत्यु है जो कि हो जाती है, रैदर की सांप के पॉइजन की वजह से नहीं होती है। एक प्रॉब्लम यह भी है कि जो इसका स्नेक के लिए जो एंटीडोट होता है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल भी नहीं होता है बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या होता है कि वो पॉइजन भी धीरे धीरे फैल जाता है। लेकिन मेजरली लोगों की जो डर होता है ना वो हार्ट फेलियर की वजह से होता है, ठीक है, स्नेक के वजह से नहीं होता है। बहुत कम ऐसे स्नेक होते हैं जिनके काटने से लोगों की मृत्यु होती है। हाँ, अगर कई घंटे ही बीत गए हैं, पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया है तो बात अलग है, लेकिन अभी इतने सारे हॉस्पिटल हो चुके हैं, है ना, जहाँ पे कुछ घंटों के अंदर आप 2-3 घंटों के अंदर पहुंच सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। ऑलराइट, तो कभी भी स्नेक काट जाए तो डरना नहीं है उतना ज्यादा, अगर उसका इलाज इजिली हो जाएगा। हार्ट फेल हो गया तो उसका कोई बचाने वाला नहीं है, वो वाली कहानी है। तो 16 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड स्नेक डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है स्नेक का, ये अवेयरनेस भी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर स्नेक आ गया था कहीं पर तो उसको मारना सलूशन नहीं होता। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट में जितने भी जीव जंतु हैं सबका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये हमारी एक साइकिल होती है जिसको सब लोग मेंटेन करते हैं। अगर एक भी जीव जंतु कहीं से हट गया ना तो बस ये मान लीजिए इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया और बहुत प्रॉब्लम है जो कि इंसान को ही होने वाली है, समझ गए। मच्छर भी जो है वो भी बहुत जरूरी होते हैं एक एनवायरनमेंट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि कई सारे डिजीज को दूर रखते हैं। ये कहानी जो है वो हमारे स्नेक की भी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स को लेकर। रिसेंटली ईआईपी रिपोर्ट 2022 की जो है वो पब्लिश करी गई, पीआईबी के अंदर बताया गया, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है कि एक्सपोर्ट करने में कौन सा राज्य कितना प्रिपेयर है, उसके बाद कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर दोस्तों ये पूरी रैंकिंग है जो कि दी गई है, जिसके अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ये 5 राज्यों ने दोस्तों सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि करी है। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जो कि हुई है। देखो, बिम्स्टेक, सार्क, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम इनसे क्या बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन हमारे साउथ एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वही है कि सार्क तो बिल्कुल ही अपनी वैलिडेशन खो चुका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वजह से, है ना। बिम्स्टेक फिर भी ठीक है क्योंकि बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्रीज है सारे, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे 7 कंट्रीज के मेंबर हैं बे ऑफ बंगाल के आसपास के। तो यहाँ तो फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग चाइना का इंट्रूजन चाहते नहीं है, इसीलिए हम लोग फिर भी बिम्स्टेक को थोड़ा भाव देते हैं। सार्क का तो अपना वैलिडिटी बहुत ही पुरानी, बहुत ही ज़्यादा अपनी वैलिडेशन ही खो चुका है। बिम्स्टेक एक तरीके से सार्क और एशियन का मिडवे माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों देश जो है ना एशियन के भी है, थाईलैंड और आपके म्यांमार, ठीक है। पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स की इनकी मीटिंग है जो कि हुई है। आप देख सकते हो नियर बाय $4 trillion की जीडीपी है, 22% दुनिया की पॉपुलेशन आपको बिम्स्टेक के अंदर देखने को मिलेगी। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी शुरुआत हुई, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और आप यहाँ पे देखोगे तो भूटान इसका मेंबर है, है ना, जहाँ पे इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है भूटान का। हमने कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे बना रखे हैं। वैसे नेपाल है, 5 भारत के स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, है ना। भारत गौरव ट्रेन प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च कर रखा है। इसके अलावा सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। इसके अलावा श्रीलंका है दोस्तों, है ना, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और थाईलैंड हो गया। अभी रिसेंटली एक रोड भी जो है हमने यहाँ पे तीनों देशों के बीच में बनाई है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं सार्क और बिम्स्टेक के बीच में ये फर्क है, आप दोनों के बीच में देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। बिम्स्टेक के समिट की बात करें 2022 में हुआ है, श्रीलंका ने इसको होस्ट है जो कि किया है। हर 4 साल के अंदर इसका मीटिंग है जो कि होता है। डेली के 5 वोकैबुलरीज की बात करें, मेलंकोली का मतलब होता है उदासी, कैसे याद करोगे, है ना। एसी मिलान हार गई, लोग एसी मिलान के क्या हो गए, मेलंकोली हो गए, यानी कि एसी मिलान एक फुटबॉल की टीम है तो क्या हो गए, वो उदास हो गए, इस तरीके से याद कर सकते हो। वैसे कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष,
जब आपको संतोष मिलता है ना, कंटेंट बहुत अच्छा मिला तो आपको क्या मिला, कंटेंटमेंट मिला, यानी कि आपको बहुत संतोष मिला। वैसे ही एवारिकियस, एवारिकियस का मतलब होता है लोभी, जो बहुत ही ग्रीडी होता है ना। इस तरीके से आप अपना रिपोर्ट वो बना कैसे याद करोगे बताओ। रेगुलर क्लास का पीडीएफ अपलोड है जो कि होता है, आप क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करो, करंट अफेयर का वहां पे मिलेगा। जीके की क्लासेस जो है ना, उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि वीक में मैं आप लोगों के लिए थोड़ी लंबी क्लास करके आपका जो जीके है लर्न विद बुरे सर पे वो कंप्लीट करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए एवरिकस को आप याद कर सकते हो कैसे, लोभी आप इसका ट्रिक बना लो यार। ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना, अभी मुझे भी याद नहीं आ रही है। परपर्टेट का मतलब होता है जो बहुत ही विकट होता है, मुश्किल होता है, उसको हम लोग कहते हैं। अगर आपका पर्पस अच्छा नहीं है तो जिंदगी बहुत ही परपर्टेट हो जाएगी, यानी कि बहुत ही विकट हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। बिलिंगल का मतलब होता है परेशान करना किसी को, तो बायलैंगुअल लैंग्वेज में कॉन्टेंट नहीं मिला तो बच्चे बिलिंगल हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो यह आपको उसको पीडीएफ क्लास 24 के ऊपर मिल जाएगी। साथ में नया बैच भी लॉन्च हो रहा है जो कि आपके एसएससी सीजीएल के लिए स्पेसिफिकली 400 घंटे से भी ज़्यादा क्लासरूम है, हाइब्रिड और लाइव फ्रॉम द क्लासरूम आपके लिए किया गया है। तो आप ऑफलाइन की जो है ना पूरी क्लासेस है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना क्लास 24 के ऊपर एसएससी कैटेगरी में। ठीक है गाइस, स्किल 24 आप लोगों के लिए अवेलेबल है, अपनी स्किल सीखने के लिए डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही गाइस, वापस अभी मिलेंगे 5 मिनट के बाद में लर्न विद बुरे सर पे, जहां पे हम लोग आज पॉलिटी का चैप्टर है अपना लेजिस्लेटिव, वो हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।